Drop it. What? Hold up. Everyone, welcome back to my channel. Welcome back to a brand new vlog. Welcome to Ramadan vlog. कैसे आप सब? I hope you guys are doing great. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. Great मजे में हूँ. So Ramadan का पहला vlog. मुझे ना Instagram पे बहुत सारे messages और शिकायतें आ रही थी आप लोगों की कि इस बार आप lockdown क्यों नहीं कर रही हैं और ये साबित तो चले जाएं. इस बार आप लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मेरी जो रूटीन है इस रमदान इज़ वेरी वेरी टफ. टफ एज इन कि मेरी रूटीन में बहुत मैं क्यों बिकॉज आई गो टू वर्क एंड वापस आते आते बहुत लेट हो जाता है. उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं बचती कुछ भी करने की. सो हैंस मैं इस ईयर लॉकडाउन नहीं कर रही थी और अभी भी कोई वैसा वाला लॉकडाउन नहीं कर रही जैसे मैं डेली व्लॉगिंग कर रही थी. इस रमदान नहीं हो रहा. इस साल मेरा जो रमदान है इज़ डिफरेंट दैन द प्रीवियस वंस. मेरा लास्ट रमदान तो आई वॉज नॉट वर्किंग, आई वॉज एट होम. सो मेरे पास कुछ ऐसा करने को नहीं था एंड लॉकडाउन करना मेरे लिए बड़ा ईजी हो गया था. बट दिस ईयर मेरा ना बहुत दूर हो जाता है एंड देन आई एम सो सॉरी. शीशे में आपको मेरा बेड नज़र आ रहा है क्योंकि आई जस्ट गॉट अप. सो थोड़ी देर में मैं इसको सेट करती हूँ. आते आते मुझे बहुत लेट हो जाता है. अफ्तारी के टाइम पर मैं घर पहुँचती हूँ एंड उसके बाद लिटरली मेरा कोई हिम्मत नहीं बचता है क्योंकि पूरा दिन वैसे ही रोज़ में होते हो, कुछ करने को दिल नहीं करता. वापस आने के बाद मैं अपना चाय पी के, इफ्तारी के बाद वाली चाय पी के मैं सो जाती हूँ एंड देन फिर मतलब पावर नैप वगैरह ले लेती हूँ. आज मैंने सोचा मैं आप लोग के लिए लॉकडाउन बनाऊंगी बिकॉज आई हैव सम एरेंड्स टू रन और मैं निकल ही रही थी. तो मैंने सोचा वो सब मैं आप लोग के लिए डॉक्यूमेंट भी कर रही हूँ और आप लोग को लॉकडाउन नंबर वन या लॉकडाउन दूँ इस रमदान का. इंशाल्लाह मैं आगे भी बनाऊंगी, इफ़ नॉट डेली मैं वीकली आप लोग का एटलीस्ट 3 व्लॉग तो दूँ. आई रियली वॉन्ट टू डू इट. मैं लॉकडाउन रियली वॉन्ट टू डू इट. एनी वेज काफ़ी बड़ा इंट्रो हो चुका है. एनी वेज सो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है. लेट्स जस्ट गो एंड डू आवर वर्क और आप लोग भी चले हमारे साथ, मतलब मेरे साथ. लेट्स गो. सो फर्स्ट स्टॉप है हम लोग का चेज़अप. पर यहाँ पे मैं जानती हूँ जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ के हम लोग को रोकेंगे कि भाई आप यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते. मैं जानती हूँ बहुत ये लोग रोकेंगे यहाँ पे. पर जितना मैं आप लोग से थोड़ी लिए बिट्स एंड पीसेस बना सकती हूँ मैं आप लोग के लिए बनाऊंगी. अभी हम लोग घुसे हैं, हमारी ट्रॉली अभी बिल्कुल खाली है बिकॉज हम लोग अभी अभी आए हैं यहाँ पे. मम्मी कहीं रुकी हैं फॉर नो रीज़न, उनको पसंद है इधर तो कहीं रुकना, तो वो काम कर ले. हम लोग जाएंगे नीचे फूड आइल पे एंड वी हैव टू गेट सम थिंग्स एंड बिट्स एंड पीसेस. समोसे ही हो सब. तो पता नहीं है समोसे वगैरह देख रहे हैं. पराठे लेके वाले चलेंगे? नहीं वो मुझे चाहिए. मैं बहुत फ्राइड चीज़ें हो जाती हैं, दिल करता ले ही ना था फ्राइड चीज़ें. चीज़ के हेवन में. और मैंने एक टाइम पे ऑल पर चीज़ ट्राई किया तो मुझे बहुत बहुत मज़ा आया था. बहुत क्रीमी और बहुत मज़ेदार सी थी. सो आई थिंक वी शुड गेट दिस वन अगेन. अच्छा मुझे चाहिए था फेटुचिनी पास्ता बट वो है ही नहीं. दूसरे पास्ते के ऑप्शंस हैं बट मुझे वो अलग चाहिए था. अब मैं उसको बाहर से कहीं से मंगवाऊंगी. बट दीज आर द पास्ता ऑप्शंस. चिकन ब्रेस्ट की तो इतनी गिरी सी. तो फेटुचिनी तो हमें नहीं मिला, अब वो हम बाहर से मंगवाएंगे. बाकी सारी चीज़ें ले ली, मशरूम वगैरह बाकी सब कुछ ले लिया. बस ऑलिव्स लेने थे पर मुझे ऑलिव्स पसंद नहीं है. तो पर अम्मी आपको पसंद है? नहीं तो विल स्किप दी ऑलिव्स. ऑलिव्स अब जाएंगे, इसका सब चेकआउट वगैरह कराते हैं एंड देन विल हेड होम. अब क्या करना है? समोसों की पट्टियाँ. लेट्स कैरेट. जस्ट वोकन अप, मैंने एक क्विक पावर नैप ले लिया था. मैं अभी उस पावर नैप से उठी हूँ, मैंने हाथ में वगैरह धोया है एंड अभी तक इशा की अजान की टाइम नहीं हुई है तो मैं टाइम को यूटिलाइज करते हैं. मैंने चिकन वगैरह निकाल के रख दी थी. चल के चिकन को मैरिनेशन पे रखते हैं एंड देन चिकन ब्रेस्ट को मैरिनेशन पे रखते हैं, उसका सॉस तैयार करते हैं और लेट्स स्टार्ट मेकिंग द फेटुचिनी पास्ता. एंड आई हैव बीन क्रेविंग फॉर इट इतने टाइम, आई एम सो एक्साइटेड टू ईट इट. और मैं खुद बनाऊंगी, मैं बहुत मज़े का बनाती हूँ एंड ये वाहिद चीज़ है जो आई कैन से कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ. तो ये रही हमारी फेटुचिनी, ये ऐसे रोल्स में आती हैं. पानी डलती है, मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल डालूंगी. चिकन
चिकन ब्रेस्ट के मसल्स तोड़ दिए जितना मैं तोड़ सकती थी। अब हम मसालों की तरफ जा रहे हैं। ये स्पाइसेस हैं, मैंने बहुत ज़्यादा यू नो बहुत भारी भारी स्पाइसेस नहीं लिए, बहुत बेसिक और सिंपल से लिए हैं। हमें योगर्ट चाहिए, देन ये हमारे स्पाइसेस हैं जिसमें नमक है, लाल मिर्ची है, कुटी हुई मिर्ची है, काली मिर्ची है और जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। ठीक है, ये है। अब इन सबको हम इसमें डालेंगे और चिकन ब्रेस्ट को मैरिनेट करेंगे। ओके जी, तो अब चिकन को हम आधे घंटे के लिए मैक्सिमम मैरिनेशन के रखेंगे। और अब मीन वेल हम बस अपना सॉस बनाएंगे, आधे घंटे का टाइम है नहीं, आधे घंटे में तो रोज़ा खुल जाएगा। सो आधे घंटे हम मैरिनेशन में नहीं रख सकते, जब तक हम सॉस बना रहे हैं इट माइट टेक 15 to 20 minutes, तब तक बस उसको मैरिनेशन पे रखेंगे और फिर विल फ्राई इट। अब क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी ऑयल डाल दिया है, अच्छा आई डोंट नो इफ आई इंक्लूडेड दैट पार्ट और नॉट, मैंने भी बाद में सोया सॉस और ऑयल ऐड किया था बिकॉज वो मैं उस वक्त डालना भूल गई थी। सो आप सोया सॉस और ऑयल भी ऐड कर दीजिएगा, उसको मैरिनेशन में साथ रख दीजिएगा। तो ऐसे ये होगा कि जब आप उसको फ्राई करने पे आओगे तो आपको ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें ऑलरेडी ऑयल मौजूद है। उस पर मैंने नमाज नहीं पढ़ी है। हाँ अच्छा, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ। दही है हमारी, एक डिफरेंट किस्म की दही बनती है जो हमारे मैंने वैसे बना दी है। इसमें सिर्फ लहसुन डालते हैं, दही फेंटते हैं, इसमें नमक और काली मिर्च डालते हैं। खैर यहाँ पे साथ में दो प्लेटें तैयार हो रही हैं, एक हमारे मस्जिद साहब की मस्जिद पे जाएगी और एक शाजिया की। ये थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ये पास्ता बनने में, तो हमने उसको भी फिलहाल रोक दिया है। अब हम पास्ता बनाएंगे आफ्टर रोज़ा, सो फिलहाल अब हम रोज़े की तैयारी वगैरह कर रहे हैं। बैल बजी है, होपफुली शाजिया आ जाएगी, अभी तक शाजिया नहीं आई है। तो समुन्ना आके दो गता से अच्छा जी, तो इफ्तार के टाइम में विल्दान साहब ने मुझे फ़ोन कर दिया था, तो उन्हीं के साथ मैंने अपना रोज़ा खोला, हंसी मजाक किया, बहुत सीक्रेट्स वगैरह उन्होंने मुझसे शेयर किए और ऐसे ही मेरा रोज़ा खोला। सो इट इज़ द नेक्स्ट डे। कल मैं अपना पास्ता नहीं बना पाई थी, बट मैं अभी बनाने लगी हूँ। कल से मैरिनेशन पे रखा हुआ है वो चिकन, सो अभी चलते हैं सॉस वगैरह बनाते हैं। आई फील लाइक इतना टाइम मैरिनेशन में रखा हो तो बहुत मज़ेदार सा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मैरिनेशन में टाइम देंगे मैरिनेट करने में उस चिकन को, वो और इतना अच्छा फ्लेवरफुल आता है। आई होप यही है। सो बस चलते हैं किचन में बनाते हैं अभी, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा है, लेट्स गो। अच्छा, तो मैंने चिकन डाल दी है जो मैरिनेट की थी कल। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गई है हम दो लोगों के लिए, आई थिंक ये एक बहुत होती है। मुझे लग रहा है कि चिकन ना ज़्यादा हो जाएगी, वो एक बहुत था बट कि मैंने मैरिनेट कर दी थी तो मैंने डाल दी है, पर आई नो कि काफ़ी हद तक बच जाएगी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ नाउ। अच्छा, अगर आपको डिटेल वर्जन देखना है इस फेटुचिनी पास्ता का, तो मैंने इंस्टाग्राम पे इसका डिटेल वर्जन बनाया हुआ है। सो इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, इट्स गिस्ट्राज लिटिल कॉस्मो, स्क्रीन पे मैंशनड है। हम उसके उबलने का वेट करेंगे, जब वो उबलना स्टार्ट हो जाएगा दूध, फिर हम ऐड करेंगे बहुत सारा चीज़। चीज़ मस्ट है, जितना ज़्यादा चीज़ होगा उतना ज़्यादा यमी होगा। अगर आप मेरी तरह चीज़ लवर हैं तो आई मीन आई एम श्योर बहुत सारे ही चीज़ लवर्स होंगे। सो दो चीज़ मैं इस्तेमाल करी हूँ, एक ऑलपर्स का चेडर चीज़ एंड दी एडम्स का मोज़रेला चीज़। तो ये उबलना स्टार्ट हो गया था, मैंने डाला है सबसे पहले ऑलपर्स का इतना ज़्यादा क्यूब, अब मैं इसके बाद डालूँगी स्लाइसेस। अच्छा, तो मोज़रेला के बाद अब मैंने चैटर के बाद या मोज़रेला के बाद जो भी क्यूब के बाद, तो मैंने 3 slices ऐड किए हैं। अब हम ऐड करेंगे इनमें मशरूम्स, इससे फ्लेवरफुल हो जाता है, बहुत मज़े का हो जाएगा। अब हम इसको तब तक पकाएंगे, तब तक अपना पास्ता नहीं डालेंगे जब तक इसमें बबल्स आना स्टार्ट नहीं हो जाए और ये थिक ना हो जाए सॉस हमारी। ओके, तो बाय दिस टाइम वी विल ऐड आवर फेटुचिनी, क्योंकि इसको भी कुक करना है साथ में। हरी फेटुचिनी नहीं डाली, मैं देखूंगी अगर सॉस बच रहा होगा, लाइक इतनी गुंजाइश होगी कि मैं और फेटुचिनी डाल सकूँ तो मैं डाल दूंगी। अभी मैंने इतनी डाली है, अभी हमारे पास और भी बाकी है, विल सी। पूरा प्रॉपरली कोट कर लूँ, जगह होगी तो और डालूंगी। हियर इज माय पास्ता, नॉट गोइंग टू लाई, मैं भी टेस्ट कर चुकी हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई एंड यू गाइस इतना कोई यमी बनाया, इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने बनाया इसलिए मैं कह रही हूँ, बट एक्चुअली वेरी यमी, बहुत ईजी। एंड बस पास्ता का ये होता है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट लिटरली आप ये रेसिपी ट्राई करें आप लोग भूल जाएंगे रेस्टोरेंट्स के फेटुचिनी पास्ता। बहुत पैसे खर्च करके हम लोग लेते हैं,
मेरा कंफर्ट फूड है ये, मेरा फेवरेट फूड है ये, आई एम सो हैप्पी। तुम ये मंगाती हो? जब भी मंगवाऊं, जो भी खाऊं, मैं सिर्फ बाहर जब जाते हैं तुम यही मंगवाती हो? ओनली फेटुचिनी पास्ता एंड इट्स एक्चुअली एक्चुअली यम्मी। मैं अपने मुंह की क्या तारीफ कर रही हूं मम्मी? आप बताएं, मजे का है? मजे का है ना, सही से बताएं। हाँ, बहुत मजे का है। अप्रूव है मम्मा? वैसे ये बहुत कम चीजें मेरी अप्रूव करती हैं, बहुत मुझे सुनाती हैं चीजों पे, बट दिस वन Actually so yum. जी तो इसी के साथ हम करेंगे अपना पहले व्लॉग का अख्ताम। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया हो। इंशाल्लाह मैं और भी व्लॉग्स डालूंगी, बट वो प्रॉबली सैटरडे या संडे को ही आ रहे होंगे, कि दैट इज़ द ओनली टाइम जब मैं कोई आपके लिए व्लॉग डन शूट कर सकती हूँ, एडिट कर सकती हूँ, अपलोड कर सकती हूँ। बाकी द एंटायर टाइम बिकॉज आई वर्क तो मैं बिजी होती हूँ, सो मैं नहीं कर सकती, ऑनेस्टली मैं नहीं कर सकती। डू लेट मी नो आपको ये व्लॉग डन कैसा लगा हो, एंड विद दैट नोट आई एम टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। इफ यू डिड देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज यूश्रास लिटिल कॉस्मो। एंड आई एम गोइंग टू सी यू गाइस सून इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट व्लॉग नाउ। अंटिल देन टेक केयर फॉर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, एंड यस, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।